नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने राम मंदिर बनाने के लिए ट्रस्ट की घोषणा कर दी है। इसमें 15 सदस्य होंगे। ट्रस्ट का नाम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र होगा। इसे राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत माना जा रहा है। देवताओं के वकील यानी के पराशरन को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए बने ट्रस्ट में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन क्या आपको पता है कि के पराशरन हैं कौन और इन्हें देवताओं का वकील क्यों कहा जाता है? इसके अलावा कांग्रेस से इनके क्या कनेक्शन है? अगर नहीं तो आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब। तो सबसे पहले सवाल का जवाब, आखिर कौन है के पराशरन? तमिलनाडु के श्रीरंगम में 9 अक्टूबर 1927 को जन्मे पराशरन राज्यसभा सदस्य और 1983 से 1989 के बीच भारत के अटॉर्नी जनरल भी रहे। उन्हें वकालत अपने पिता से विरासत में मिली थी। उनके पिता केशव अयंगर अधिवक्ता और वैदिक विद्वान थे, जिन्होंने मद्रास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस की थी। पराशरन के 3 बेटे मोहन, सतीश और बालाजी भी वकील हैं। पराशरन ने साल 1958 में वकालत की प्रैक्टिस शुरू की थी। पद्म भूषण और पद्म विभूषण से पराशरन नवाजे जा चुके हैं। अब बताते हैं कि आखिर क्यों इन्हें देवताओं का वकील कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या केस में रामलला के पक्ष में फैसला आने की महत्वपूर्ण कड़ी वरिष्ठ वकील के पराशरन ही रहे हैं। पराशरन ने अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद मामले में हिंदू पक्षों की वर्षों तक पैरवी की और जिसके कारण आज राम मंदिर निर्माण का सपना पूरा हो सका है। इतना ही नहीं, वो राम सेतु केस और सबरीमाला मंदिर केस में भगवान अयप्पा के वकील भी पराशरन हैं। इसलिए इन्हें देवताओं के वकील कहा जाता है। हिंदू धर्म पर अपनी बहुत अच्छी पकड़ होने के कारण वो खुद को भगवान राम के उपासक के रूप में देखते हैं। राम सेतु प्रकरण में भी पराशरन ने सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट से राम सेतु को बचाने के लिए सरकार के खिलाफ जाकर अदालत में केस लड़ा था। 1976 में पराशरन तमिलनाडु सरकार के एडवोकेट जनरल रहे थे। वहीं कांग्रेस के कनेक्शन की बात करें तो कांग्रेस की 2 सरकारों में अटॉर्नी जनरल के रूप में अपनी सेवाएं दी। संवैधानिक मामलों में सरकार के पास पराशरन ही सबसे अच्छा विकल्प रहे। सरकारें बदली लेकिन पराशरन हमेशा सराहे गए। ऐसे में इस बार के पराशरन को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए बने ट्रस्ट में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।